सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे गाइस? होप करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, काफ़ी स्पेशल और काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला। गाइस वीडियो का स्किप मत करो, काफ़ी कम समय में मैंने आपको सारा मटेरियल गाइस रेडी करके दिया है, ठीक है? और आप डाउनलोड करके बिंदास यूज करके इस तरह का जो है कमाल का ज़बरदस्त स्टेटस क्रिएट कर पाओगे। तो प्लीज़ यार इसी बात तक वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस। और जो भी मटेरियल यूज़ किया है सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गूगल पर जाकर www.suryakumar.in जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है? और गाइस लेटेस्ट अपडेट लिए मुझे आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह का शानदार स्टेटस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसको आपको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आपको दो इफेक्ट ले लेना। मैं सारा का सारा मटेरियल आपको अवेलेबल रेडी करके देता हूँ, बिकॉज आगे जाकर आपको कोई तकलीफ ना हो, सेकंड से आपका बहुत सारा टाइम इसमें बच जाएगा। तो ये आपको प्रीसेट इफेक्ट लेना है, साथ में आपको एक बिटमा करके मैं आपको सॉन्ग के साथ दे दूंगा, तो वो ले लीजिएगा, जिसमें बिटमार्क आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी लगाया रहेगा, ठीक है? ये दोनों चीज आपको यहां से ले लेनी है, डिस्क्रिप्शन में बिंदास आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सा प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना, एडिट टेक्स्ट पे जाना, यहां पे ऐड टेक्स्ट पे, और यहां पे आपको लिख लेना टेक्स्ट, ठीक है, सॉन्ग का अगर तुम, और उसके बाद इस पर क्लिक करना है और व्यू ऑल फॉन्ट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे हम जो फॉन्ट यूज करना वो उसको कैसे ऐड करना, तो सिंपल सा इस बटन पे क्लिक करना है, इंपोर्ट फॉन्ट पे चले जाना गाइज, और यहाँ से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉन्ट दे दूंगा री मशीन स्क्रिप्ट करके, उसे आप ऐड कर लीजिएगा और ये जो इंपोर्टेड वाले उस पर टिक मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर आ गया है। एंड इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद साइज़ को ऐसा आपको बढ़ा लेना है, एंड कलर पर क्लिक करके इसे ये आपको जो कलर चाहिए, येलो चाहिए या फिर ब्लू चाहिए, वो आप ऐसे ले लीजिएगा एंड इस पर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी क्या करना है, जहाँ से हमारा बीट मार्क था ना उस पर क्लिक करके यहाँ से बाजू में लाना, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, यहाँ से आपको कॉपी लेयर पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना, आगे की तरफ आ जाएगा और ये जो सेकेंड वाला हमारे बीट मार्क है उस तक आपको लेके आना है, ठीक है? यहाँ पर अगर तुम लिख दिया, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं साथ हो, ठीक है? इस तरीके से आप जो टेक्स्ट लिख देना। अभी इसका कलर भी हम चेंज करेंगे चाहे तो गाइस, तो इस पर क्लिक करना है, सिंपल सा कलर एंड फील्ड पे चले जाना है, यहाँ से हम कलर इसका ब्लू कर लेंगे। तो दो कलर चेंज हो गए, यहाँ से जैसे हमारा बीट मार्क चेंज होता है, ट्यून चेंज होता है, यहाँ से क्या करेंगे, हम फोटोज़ ऐड कर लेंगे, ठीक है? अभी मैं आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटोज़ ऐड करके बताऊंगा, तो फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इस तरीके से आपको लगा लेना। फिर भी अभी मतलब फोटो एकदम अच्छे से फिट नहीं हुआ, तो मूव एंड ट्रांसपोर्ट पे जाके इस बटन पे क्लिक करके थोड़ा जूम कर लेना, एंड जहाँ से सेकंड बटन बीट मार्क खत्म होता है ना, फिर से एरो पे क्लिक करके सेकंड वाला ऑप्शन दबाना, तो उसमें परफेक्टली फोटो आ जाएगा। फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो पे यहाँ पे चले जाना है, एंड चले जाने के बाद क्या करना है, सिंपल से यहाँ से और फोटो आपको ले लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना खुद का भी फोटो का स्टेटस बना सकते हो गाइस, काफ़ी ट्रेंडिंग में और बहुत ही मस्त लगेगा। तो फोटो को हम सिंपल सा इससे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है? इसी तरह से आपको सारे के सारे फोटो ऐड करने गाइस यहाँ पे, और ये जो है इंस्टाग्राम रील्स पे आप काफ़ी मतलब बना सकते हो, वो काफ़ी वायरल हो जाएगा आपका वीडियो। तो यहाँ से आधा काम हमारा हो गया है। अभी गाइज आपको बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सिंपल से आपने दो प्रीसेट डाउनलोड किया है, तो अगर आपको याद रहेगा तो एक आपको टेक्स्ट प्रीसेट वाला मिला था और एक आपको बीट मार्क वाला। तो जो टेक्स्ट में आपको इफेक्ट है उस पर क्लिक करना, थ्री डॉट पे जाके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। अभी गाइज यहाँ पे वीडियो स्किप मत करना, बिकॉज ये जो अप डाउन वाला जो इफेक्ट है ना वो आपको रेडी अवेलेबल नहीं मिलेगा, वो कैसे देना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? ये इफेक्ट आप ले लीजिएगा, एंड यहाँ से हमें टेक्स्ट में इफेक्ट कैसे लगाना वो मैं बता देता हूँ। तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करके इसको, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको पेस्ट इफेक्ट करना है, एंड पेस्ट इफेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कि आपको फिर से पेस्ट इफेक्ट करना है। अभी देख सकते हो दोनों में इफेक्ट तो लग गया, बट अप डाउन नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करना है, सिंपल सा आपको इस लेयर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद मिडल में आना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट पे जाना है। ध्यान से देखिएगा गाइस ये प्रोसेस, ठीक है? तो सिंपल सा एक की दे देना है, की देने के बाद ये जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, फिर से की देना है। अभी आपको इसको इस तरीके से तिरछा लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, यहाँ से इस तरीके से ऊपर लेके जाना है, फिर से इस एरो पे क्लिक करना है, फिर से इस एरो पे क्लिक करके आपको दो बार जो हमें एंड में आना है, तो फिर से एक की देना है, एंड इसको हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से इसको एंड तक लेके आएंगे, ठीक है? हम बैक आ जाएंगे, साइड में टच करना, इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाता हूँ इस तरीके से। तो अभी देख सकते हो यहाँ इफेक्ट हमारा ऐड लग गया, बट थोड़ा सा और यहाँ पे इफेक्ट देना, तो सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट पे चले जाना है। अभी यहाँ पे जो इफेक्ट दिया था, सिंपल सा बीच में आना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कर्व पे क्लिक करना है, और ये जो कर्व है हमारा कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है यहाँ पर, ठीक है? ये लगाने के बाद सिंपल सा क्या करना है, आपको और आगे की तरफ आना है, यहाँ पर आना है, एंड इसको हम यहाँ पर इस तरीके से जो है लगा देंगे कवर, इस तरीके से रुक जाएगा एंड नीचे चला जाएगा। सेम इफेक्ट आपको वही करना है, अगर आगे नहीं समझा तो अभी बता देता हूँ। इस पर क्लिक करना है, आपको मिडल में आना गाइस,
मिडल में आने के बाद मूव एंड ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जाता हूँ, सिंपल सा एक की देना है, ऊपर जो एरो का बटन दिख रहा है ना उस पर क्लिक करना है, फिर से एक की देना है, और की देने के बाद इसको आपको तिरछा इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको लेके जाना है। ये लेके जाने के बाद फिर से एक की पे क्लिक करना है, फिर से एंड पे आना है आपको। एंड पे आने के बाद मैं फ़ोटो को रुको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चला जाता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद एक की देना है, एंड इसको जो है हम इस तरीके से एंड में लेके जाएंगे, ठीक है। इस पर फिर से आपको क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट पर जाना है। अभी जो इफेक्ट आपने ऐड किया ना गाइस, जो मिडल वाला इफेक्ट था उसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्लिक करना है, कर्व पे क्लिक करके इस कर्व को आपको कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड कर्व को यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद फिर से कर्व को इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। बैक आ जाइएगा, यहाँ से जो सिंपल सा देख सकते हो टेक्स्ट इफेक्ट हमारा रेडी हो गया है, एंड इस तरीके से टेक्स्ट एनिमेशन भी लग गया है। अभी रहे हमारा इफेक्ट की बात, तो इफेक्ट में बैक आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आपको इफेक्ट रेडी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम थोड़ा RGB मतलब जो इफेक्ट रहता है ना फोटो में, अगर आप वो हटाना चाहते हो तो यहाँ पे हटा सकते हो, सिंपल सा इफेक्ट पर क्लिक करना है, और ये जो चैनल रिमैप दिखता है RGB का, इस पर एरो बंद कर दीजिएगा तो ओरिजिनल फोटो दिखेगा। बट मैंने यहाँ पे ये नहीं रखा बिकॉज मैंने थोड़ा अलग किया, तो इसलिए यहाँ पे इफेक्ट ऐड किया। सिंपल सा इस पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट ऐड कर लेना गाइस, बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद फिर से वही प्रोजेक्ट ओपन करना है। अभी जो भी फोटोज आपने यूज किए ना उसमें आप पेस्ट कर देना, तो देख सकते हो यहाँ पे फोटो का कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एंड काफी यार जबरदस्त भी लगेगा। एंड यहाँ पे सारे फोटो आप ऐड कर लीजिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए गाइस आपको पता ही है फोटो कैसे ऐड करना आगे, ठीक है। यहाँ पे बीट मार्क पे आ जाएंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी अगर आपके पास ब्लैक स्क्रीन रहेगा तो ले लीजिएगा, मेरे पास एक अवेलेबल ये वाली काफ़ी अच्छी लगेगी, वो मैं दे दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी 3-4 वीडियो में मैंने यूज़ भी की है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और ये वीडियो इस पर तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, तो ठीक है। सिंपल सा पैक आ जाएगा, ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे जाना है, लाइटन पे क्लिक करके इसे स्क्रीन पर टैप कर लेना गाइस, तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी क्या करना है आपको, इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाता हूँ, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे चले जाना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पे जाना है, और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अभी जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो आपको थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज करना है, ठीक है, तो थोड़ा इफेक्ट और अच्छा लगेगा। एक बार प्ले करके मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि कुछ इस तरीके से ज़बरदस्त स्टेटस गाइज हमारा दिखेगा, तो देख सकते हो कितना यहाँ पे ज़बरदस्त लग रहा है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप मतलब फोटो ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद राइट टू ट्रिम यहाँ से कर लीजिएगा सारे के सारे। ऊपर आपको एक्सपोर्ट का एक बटन मिलेगा, वहाँ पे एक्सपोर्ट जाके क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा गाइज। यही था हमारा वीडियो, यहाँ से आपका वीडियो सेव हो जाएगा, और ये जो वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में और काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे, तो फाइनली ट्यूटोरियल आ गया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइज, प्लीज़ यार नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू सो मच।